डिज्नी की सबसे फेमस मूवी अलादीन, जो कि अरेबियन नाइट्स की 1001 स्टोरी पर बेस्ड थी। और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक अनाथ लड़का अलादीन को एक जादुई चिराग मिलता है और इस चिराग को खिसने पर इससे एक जिनी निकलता है जो अलादीन की 3 विशेष पूरी कर देता है। लेकिन रियलिटी में ना तो ये स्टोरी अरेबियन नाइट्स से इंस्पायर्ड थी और ना ही इसकी थीम मिडिल ईस्ट यह अरब देश पर बेस्ड थी, बल्कि एक्चुअली में अलादीन की ट्रू स्टोरी की जड़ें चाइना से जुड़ी थी। और तो और इस चाइनीज अलादीन के पास एक नहीं बल्कि 2-2 जीनी थे। तो और क्या क्या डिफरेंसेस थे मूवी में दिखाए गए अलादीन के इस चाइनीज अलादीन से, जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हमेशा से हम लोगों को ये बताया गया है कि अलादीन की स्टोरी की इंस्पिरेशन फेमस अरेबियन नाइट की 1001 स्टोरी से ली गई है, लेकिन एक्चुअली में अलादीन एंड द मैजिक लैम्प और अली बाबा 40 चोर की कहानी ओरिजिनली अरेबियन नाइट टेल्स में नहीं थी, बल्कि साल 1704 में एंटोइन गैलैंड नाम के एक फ्रेंच ट्रांसलेटर ने इन दोनों स्टोरीज को बाद में अरेबियन नाइट टेल्स में ऐड किया था। लेकिन फिर भी एंटोइन गैलैंड एक्चुअली में असली क्रिएटर नहीं थे अलादीन के, बल्कि अलादीन की ये कहानी गैलैंड को एक सीरियन स्टोरी टेलर हैना दियाब ने सुनाई थी। शुरुआत में स्कॉलर्स को ये लगा कि हैना दियाब नाम का शख्स भी एक्चुअली में इस कहानी की तरह ही फर्जी है और हैना दियाब को भी अलादीन की कहानी की तरह ही एंटोइन गैलैंड ने लिखा था। लेकिन हाल ही में साल 1993 में रिसर्चर्स ने गैलैंड के कुछ दस्तावेज खंगाले और वहां से उन्होंने हैना दियाब की पर्सनल बायोग्राफी डिस्कवर करी, जिसके बाद रिसर्चर्स को ये क्लियर तो हो गया कि हैना दियाब नाम का सच में कोई शख्स था। तो आखिरकार हकीकत में ये हैना दियाब था कौन शख्स जिसने उस टाइम पर गैलैंड को अलादीन की कहानी सुनाई थी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे फेमस स्टोरी बनकर सामने आई। एक्चुअली में गैलैंड की मुलाकात हैना दियाब से उनके फ्रेंड पॉल ल्यूकस के अपार्टमेंट में हुई थी। पॉल ल्यूकस असल में एक टूम्ब रेडर थे जो किंग लुई 14 के लिए ट्रेजर ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूमते थे, और हैना दियाब भी पॉल ल्यूकस के साथ ही उनके हर एक कॉन्क्वेस्ट में उनके साथ रहते थे। तो अब हम वापस आते हैं, हैना दियाब ने जो पॉल ल्यूकस को ओरिजिनल कहानी सुनाई थी वो कितनी डिफरेंट थी मूवी वाले अलादीन से। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि अलादीन की ओरिजिनल स्टोरी एक्चुअली में चाइना में बेस्ड थी, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि अलादीन की स्टोरी इस्लामिक किंगडम में सेट करी गई थी, जिसको एक सुल्तान रूल करते हैं। शुरुआत में तो ये स्टोरी बड़ी अटपटी सी लगती है कि इस्लामिक किंगडम वो भी चाइना में, लेकिन हाँ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस्लाम चाइना में 17 सेंचुरी जितना पुराना है। लेकिन शायद इसलिए डिज्नी ने आगरा या मिडिल ईस्ट को चुना था मूवी की थीम सेट करने के लिए, ताकि व्यूअर्स को इस्लामिक कल्चर ज्यादा रियलिस्टिक लगे चाइना के कंपैरिजन में। और वहीं अगर डिज्नी मूवी की बात करें तो इसकी शुरुआत में अलादीन को एक अडल्ट दिखाया जाता है, लेकिन इस ओरिजिनल स्टोरी में अलादीन के बचपन के डिस्क्रिप्शन के बारे में काफी डिटेल से लिखा गया है, जहां पर अलादीन को काफी शैतान और लेजी बच्चे की तरह पोर्ट्रे किया गया। और इस ओरिजिनल स्टोरी में अलादीन एक्चुअली में अनाथ भी नहीं होता जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, बल्कि उसकी मदर स्टोरी में जिंदा होती है, और स्टोरी में उनकी मदर का रोल भी काफी अहम था, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से उनकी मदर ही अलादीन की हेल्प करती है प्रिंसेस से मिलने के लिए। इसके अलावा अलादीन के बाद जो अगला सबका फेवरेट कैरेक्टर था अलादीन सीरीज का, वो था अलादीन का फ्रेंड कम पेट अबू, जो हर बुरे और अच्छे वक्त में अलादीन का साथ देता है। लेकिन आपको मायूसी होगी ये जानकर कि ओरिजिनल स्टोरी में अबू जैसा कोई भी कैरेक्टर नहीं था, और इसी तरह मैजिक कारपेट जिसपे बैठकर उड़ने का हर 90s किड का सपना था, जो अलादीन को केव में मिली थी, वो भी इस ओरिजिनल स्टोरी में नहीं थी। इसके अलावा अलादीन मूवी में जो मेन विलन था सुल्तान का वजीर जफार, हालांकि ओरिजिनल स्टोरी में एक ईविल जादूगर जरूर था, लेकिन इस स्टोरी में ये सुल्तान का वजीर नहीं बल्कि ये जादूगर अफ्रीका से था, जिसका नाम स्टोरी में मेंशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये इविल मैजिशियन स्टोरी में अपने आप को अलादीन का अंकल बताता है, ताकि वो अलादीन के और करीब आ सके, और ये फेक अंकल अलादीन की मदद करता है और उसे कपड़े वगैरह गिफ्ट करता है। और इसके अगले दिन ये फेक अंकल अलादीन को अपने साथ एक माउंटेन पे ले जाता है, जहाँ जाकर वो अलादीन को एक केव के बारे में बताता है जहाँ एक्चुअली में एक ट्रेजर है। इसलिए ये फेक अंकल या मैजिशियन अलादीन को एक जादुई रिंग देता है,
कि अगर केव के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो रिंग उसके काम आ सके। अब ये मैजिक रिंग काफी इम्पोर्टेंट थी इस ओरिजिनल स्टोरी में, जिसको हम आगे समझेंगे। तो अलादीन ट्रेजर ढूंढने के लिए केव के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे जादुई चिराग मिलता है। और जब लौटते वक्त अलादीन इस गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचता है, तो वो फेक अंकल उससे वो लैंप मांगता है। तो अलादीन उससे ये बोलता है कि पहले मुझे इस गुफा से बाहर निकालने में मदद करो। लेकिन फेक अंकल अलादीन की मदद करने की जगह केव की एंट्रेंस ही बंद कर देता है और केव पर कुछ मैजिकल पाउडर डाल देता है, जिसकी वजह से अलादीन पूरे 2 दिनों तक उस गुफा के अंदर ही फंसा रहता है। और थक हार कर सारी उम्मीदें खोने के बाद अलादीन गॉड से प्रे करने लगता है। और जैसे ही वो अपने दोनों हाथों को जोड़ता है, अलादीन गलती से अपनी मैजिकल रिंग घिस देता है, जिसमें से एक जिन निकलता है। अब जैसा कि मूवी में दिखाया गया था कि केव के अंदर अलादीन के चिराग घिसने की वजह से जिन निकलता है, लेकिन स्टोरी में अलादीन के इस रिंग घिसने की वजह से एक जिन निकलता है, जो अलादीन की विश पूरी करके उसे केव से बाहर निकालने में मदद करता है। जिसके बाद ये जिन अलादीन को फौरन ही उसकी मदर के घर ले जाता है, जहां पर अलादीन के हाथ में वो चिराग और अंगूठी दोनों ही मौजूद होती है। और वो पूरी कहानी अपनी मदर को बताता है, लेकिन अलादीन की मदर उसका यकीन ही नहीं करती। इसलिए अलादीन की मदर उस चिराग को बेचने का फैसला करती है। और बेचने से पहले जैसे ही उनकी मदर उस चिराग को साफ करने के लिए घिसती है, तो फौरन ही उसमें से एक दूसरा जिन निकलता है, जिसको देखकर अलादीन की मदर फौरन ही बेहोश हो जाती है। लेकिन क्योंकि अलादीन एक जिन से पहले ही मिल चुका होता है, इसलिए वो जिन से कुछ खाने के लिए मांगता है। और फौरन ही एक से बढ़कर एक खाने की डिशेस अलादीन के सामने हाजिर हो जाती है, वो भी सिल्वर प्लेट्स में। जिसके बाद अलादीन और उसकी मॉम खाना खाकर वो सिल्वर प्लेट्स बेच देते हैं। अब जैसे मूवी में जिनी के कैरेक्टर को काफी फनी और फ्रेंडली दिखाया गया है, लेकिन इस ओरिजिनल स्टोरी में दोनों जिन काफी सीरियस होते हैं, जो विश को पूरा कर फौरन ही गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा मूवी में जिनी अलादीन की सिर्फ 3 ही विशेस पूरी करता है, लेकिन इस रियल स्टोरी में विशेस की कोई लिमिट नहीं होती। इसी तरह मूवी में ये दिखाया गया कि प्रिंसेस जैस्मीन को अलादीन से प्यार हो जाता है, लेकिन इस ओरिजिनल स्टोरी में सुल्तान की डॉटर, जिसका असली नाम था बुदीर अल बदूर, उससे अलादीन की शादी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो दिक्कत कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिंसेस का हस्बैंड होता है। जी हाँ, ओरिजिनल टेल में जैस्मीन यानी बुदीर अल बदूर की शादी सुल्तान के एडवाइजर के बेटे से होती है, लेकिन अलादीन ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। और अलादीन प्रिंसेस और उसके हस्बैंड की शादी की पहली ही रात जिनी से कुछ विशेष करता है। उनकी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती, जिसकी वजह से प्रिंसेस और उसके हस्बैंड की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। और आखिरकार अलादीन की वजह से उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है, जिसके बाद अलादीन अपनी मदर को सुल्तान के पास भेजता है उनकी बेटी बुदीर से शादी के लिए। लेकिन क्योंकि अलादीन की मदर सुल्तान को काफी गरीब दिखती है, इसलिए सुल्तान सिर्फ मजाक के लिए बड़ी ही अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करता है उनकी मदर से। लेकिन सुल्तान को ये लगता है कि अलादीन कभी भी ये रिक्वेस्ट पूरी ही नहीं कर पाएगा। और सुल्तान की अजीबोगरीब रिक्वेस्ट थी सोने से भरे हुए 40 कास्केट, जिसे 40 ब्लैक स्लेव्स और 40 व्हाइट स्लेव्स उठा कर लाए, वो भी खूबसूरत लिबास में। लेकिन सुल्तान को ये नहीं पता था कि अलादीन के लिए ये रिक्वेस्ट सिर्फ बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अलादीन जिनी से सिर्फ विश करता है और सब कुछ हाजिर हो जाता है। और इस ओरिजिनल स्टोरी में दिखाई गई ये अजीबोगरीब रिक्वेस्ट ही शायद मेन इंस्पिरेशन थी मूवी के प्रिंस अबाबुआ वाले सीन की, जिसके बाद सुल्तान ये सब देखकर फौरन ही अलादीन से मिलने का फैसला करता है, और यहाँ तक कि प्रिंसेस की शादी अलादीन से करवाने के लिए राजी भी हो जाता है। वैसे तो ये अलादीन की स्टोरी काफी अजीबोगरीब थी मूवी के मुकाबले में, और डिज्नी ने इस मूवी को काफी हद तक इम्प्रोवाइज किया था ताकि व्यूअर्स के बीच एक कनेक्शन बन सके। लेकिन काफी स्कॉलर्स का ये मानना था कि अलादीन की ओरिजिनल स्टोरी में जो अलादीन का कैरेक्टर था, वो एक्चुअली में हैना दियाब की खुद की ही जिंदगी पर बेस्ड था, थोड़े इम्प्रोवाइजेशन के साथ। और इसके अलावा हैना दियाब की ऑटोबायोग्राफी आज भी वैटिकन लाइब्रेरी में मौजूद है। तो आपकी क्या राय है हैना दियाब और अलादीन के ऊपर, और क्या अलादीन मूवी आपकी भी फेवरेट कार्टून मूवी थी, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।